हेलो गाइस, वेलकम टू यत्नी इन्वेस्टमेंट एकेडमी। माय नेम इज कमल मुकेश वेलानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ग्रोथ के बारे में, थेरेपी वाइज ग्रोथ कौन कौन से सेगमेंट में कैसी रही है, और साथ ही साथ आगे चल के कंपनीज को क्या करना होगा जिनकी, जैसे कि उनकी रेवेन्यू ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ हमेशा ग्रोथ एक हाई स्केल पे होती रही। तो अगर इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात की जाए तो इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने लास्ट 17 ईयर से डबल डिजिट ग्रोथ डिलीवर तो की है, बट ड्यूरिंग CY 2022 में एक ट्रेंड नोटिस किया गया कि मेजॉरिटी ऑफ द ग्रोथ जो कंपनीज को मिली है वो प्राइस हाइक से मिली है, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ तो उन्हें काफ़ी कम विटनेस करनी पड़ी। बेसिकली हुआ ये, जो रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन हुआ वो कंपनीज ने पास ऑन कर दिया। ऑलमोस्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट की ग्रोथ CY 2022 में 8% की रही, एंड इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट 1.8 लाख करोड़ में पहुंच गया। अगर एंटी इन्फेक्टिव सेगमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल ग्रोथ -5% रही, वॉल्यूम ग्रोथ भी -1% रही, एंड -4% प्राइस हाई ग्रोथ रही। कार्डियक सेगमेंट जो एक सबसे बड़ा सेगमेंट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ तो 8% रही, बट वॉल्यूम ग्रोथ 0 थी, यानी 8% पूरी की पूरी ग्रोथ प्राइस हाइक से आई। अगर गैस्ट्रो सेगमेंट की बात की जाए तो 10% ग्रोथ उसने भी डिलीवर किया, बट यहाँ पर भी वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैटिश थी, प्राइस हाइक से ही पूरी 10% की ग्रोथ है। एक रेस्पिरेटरी सेगमेंट ही था जो एक आउटलायर था, इसमें ओवरऑल ग्रोथ 19% आई, उसमें से वॉल्यूम ग्रोथ 12% थी एंड प्राइस हाई ग्रोथ 7% थी। अब आगे चल के अगर देखा जाए तो अब दो मार्केट्स में इंडियन फार्मा मार्केट को डिवाइड किया जा सकता है, एक जेनेरिक्स मार्केट एंड एक CDMO मार्केट, जो बेसिकली लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग या लार्ज स्केल रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस मार्केट की मार्केट साइज एक्सपेक्टेड है कि $200 बिलियन हो जाएगी FY 2025 तक, एंड 11.5% के कैगर से ये मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा। इस मार्केट के ग्रो करने के लिए जो चाइना प्लस वन के टेलविंड हैं वो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया को अपने आप को काफी हद तक डी-रिस्क करना होगा, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से उन्हें कम से कम इंपोर्ट करके सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा, ताकि ये CRO CDMO मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड मार्केट है वो काफी एक अच्छे लेवल पे स्केल करके ग्रो करे। अगर सेकंड मार्केट की बात की जाए तो सबसे बड़ा मार्केट है वो है जेनेरिक्स मार्केट। ओवरऑल फार्मास्यूटिकल मार्केट का 82% मार्केट जेनेरिक्स मार्केट है, यानी और इसकी मार्केट अराउंड $92 बिलियन की है। बस इस 82% मार्केट में से काफी लोग एंटर तो हो गए हैं, प्राइवेट बहुत सारे पब्लिक कंपनीज तो एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा कर ही रहे हैं, इंडियन प्लस एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा कंपनीज एंटर हो चुकी है, बट एक्सपोर्ट्स में ओवरऑल सन फार्मा, सिप्ला एंड रेड्डीज लैब्स ही 43% ऑफ द टोटल मार्केट साइज ये ही सप्लाई कर रही है। यानी कि इसका मतलब है कि मेजर पोर्शन ऑफ द जेनेरिक सेल भी यही तीन कंपनीज कर रही है। इसका मतलब यह है कि बाकी कंपनीज कर तो रहे हैं बट बहुत एक छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली हो ऐसा रहा है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडियन मार्केट से कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जो उनका एक कैश काउ बिजनेस है उससे वो डिप्लॉय कर रही हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में, ताकि वहां एक हायर रेवेन्यू जनरेट कर सके। बट जेनेरिक्स में फर्स्ट डिकेड में 2001 टू 2010 काफी अच्छा बूम रहा, बट 2015 से लेके काफी ज्यादा स्लो डाउन आ गया है ड्यू टू कंसोलिडेशन, प्राइस हाइक्स एंड एक्सेसिव कॉम्पिटिशन। अब यहाँ से कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप को डी-रिस्क करना, जैसे कि सन फार्मा और सिप्ला ने किया है। सन फार्मा और सिप्ला अगर आप देखेंगे, सन फार्मा के भले पास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट क्योंकि सन फार्मा डिस्पाइट बीइंग अ मेजर प्लेयर इन जेनेरिक्स उसने अपना एक स्पेशलिटी पोर्टफोलियो बना दिया, जिसकी एक बहुत अच्छी ग्रोथ उन्होंने विटनेस करी US मार्केट्स में, जिसके कारण उसे जेनेरिक का प्राइसिंग कॉम्पिटिशन नहीं फेस करना पड़ा। आगे चल के भी अगर कंपनीज जेनेरिक प्रोडक्ट्स बनाती रही जिसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं रहेगा, तो कंपनीज को काफी हद तक प्राइस इरोजन का सामना करना पड़ेगा ड्यू टू एक्सेसिव कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट डिकेड में $120 बिलियन के मेडिसिन ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं, जिसमें से मेजर स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, बट एक हाई ग्रोथ सेक्टर जो जेनेरिक्स में बन सकता है वो बायोलॉजिक्स है। तो बहुत सारी कंपनीज, इंडियन कंपनीज अब बायोलॉजिक्स में भी मेडिसिन बना रही है, बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि वहाँ उनके अप्रूवल्स में काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं। साथ ही साथ अभी जैसे ही पोस्ट कोविड पैंडेमिक USFDA ने फिजिकल इंस्पेक्शन चालू कर दिए हैं, तो काफ़ी कंपनीज को सब ऑप्टिमल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के कारण नोटिसेस दिए गए हैं। अगर ऐसे ही उन्हें नोटिसेस मिलते रहे तो उन्हें एक्सेसिव कंप्लायंसेस तो फेस करने पड़ेंगे ही, बट अगर USFDA को लगा कि ये अभी भी प्रोफिशिएंट नहीं हुए हैं
तो इन्हें USFDA इंपोर्ट अलर्ट पर भी डाल सकता है, यानी कि उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से कोई भी प्रोडक्ट US में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इससे कंपनीज के रेवेन्यू को एक बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ जेनेरिक्स में भी कंपनीज को काफी हद तक अपने आप को डीरिस्क करना होगा ताकि वो चाइना प्लस वन का एक बहुत ज्यादा बेनिफिट तो ले ही सके। साथ ही साथ कंपनीज अभी अपने कोविड का भी स्टॉकिंग करके रखी है, क्योंकि जैसे ही कोविड की थोड़ी सी वेव आई थी तो काफी सारी कंपनीज ने कोविड मेडिसिन का भी स्टॉकिंग करके रखी है। कंपनीज अभी US के अलावा भी अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाह रही है, इसीलिए अब इंडियन कंपनीज जापान, चाइना एंड लैटिन अमेरिका, बेसिकली जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहां पर भी अपने प्रोडक्ट्स भेज रही है ताकि उन्हें US में जो एक्सेसिव कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है वो कम से कम हो जाए। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कौन सी कंपनीज अपने आप को जेनेरिक के बिजनेस से डीरिस्क कर सकती है एंड साथ ही साथ CRO एंड CDMO में एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकती है। वेल दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी।